नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 नवंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव निजी वाहन में मिली ईवीएम मामले में 6 चुनावी कर्मचारी सस्पेंड। रामपुर विधानसभा क्षेत्र की दत्तनगर पंचायत में शनिवार देर शाम को निजी वाहन से ईवीएम मिलने के मामले में निर्वाचन आयोग ने 6 चुनाव कर्मियों को निलंबित कर दिया है। 4 पोलिंग मतदान कर्मियों सहित 2 सुरक्षा कर्मियों पर चुनाव आयोग की गाज गिरी है। पोलिंग पार्टियों में शामिल थी एक कर्मचारी। जगतराम पीआरओ उच्च शिक्षा विभाग वार्ड निर्भर स्कूल, इंद्रपाल पीओ उच्च शिक्षा विभाग स्कूल मलांदी, तहसील कुमार सेन, राजेश कुमार एपीआरओ उच्च शिक्षा विभाग स्कूल केलबी तहसील ट्योग, प्रदीप कुमार पीओ प्रारंभिक शिक्षा विभाग, गोवर्धन सिंह सुरक्षा कर्मचारी हिमाचल प्रदेश पुलिस, विपन्न सुरक्षा कर्मचारी हिमाचल प्रदेश पुलिस। सेना के हेलीकॉप्टर से भुंतर पहुंचाई ईवीएम, 8 दिसंबर को होगी मतगणना। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम को सेना के हेलीकॉप्टर से कुल्लू के भुंतर पहुंचाया गया। आईटीबीपी जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को भुंतर स्थित जनजातीय भवन में बने स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। 8 दिसंबर को लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र मतों की मतगणना भुंतर में ही होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित खेमटा ने बताया कि लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद 92 ईवीएम को सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से भुंतर पहुंचाया गया है। रविवार सुबह पहली फ्लाइट से लाहौल और उदयपुर की 63 ईवीएम को भुंतर पहुंचाया गया। काजा से 29 ईवीएम को भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से भुंतर पहुंचाया गया। यहाँ ईवीएम की सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के साथ आईटीबीपी बटालियन और स्थानीय पुलिस के 3 घेरे में होगी। चुनाव खत्म होते ही परिवार के साथ दिल्ली लौटे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा परिवार के साथ दिल्ली लौट गए हैं। दिल्ली जाने से पहले वे लुहणू में कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से मिले और चुनाव में दिन रात कार्य करने के लिए उनका आभार जताया। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए टर्म 1 की विशेष परीक्षाएं 25 नवंबर से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 15 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं 12वीं कक्षा की टर्म 1 की विशेष परीक्षाएं करवाएगा। इस दौरान प्रदेश भर से 10वीं कक्षा में 247, 12वीं कक्षा से 268 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में 15 विभिन्न परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें चंबा जिले में सबसे अधिक 4 और कांगड़ा में 3 परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया है। बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि बोर्ड ने सितंबर अक्टूबर में 10वीं 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों के लिए टर्म 1 की परीक्षा से छूटे परीक्षार्थियों को एक विशेष मौका दिया है। ये मौका उन परीक्षार्थियों को मिला है जो परीक्षा के दौरान या तो खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे या फिर मेडिकल ग्राउंड और अन्य कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए थे। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी, केलांग में तापमान 0 से 5.7 डिग्री सेल्सियस नीचे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के मुख्यालय केलांग में रविवार को न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। ये जानकारी मौसम विभाग ने रविवार को दी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार केलांग में तापमान 0 से 5.7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जो कि 0 से 4.7 डिग्री सेल्सियस कम है। किन्नौर जिले के कल्पा में तापमान 0 से 0.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जो कि 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। परवाणु स्थित बघाट बैंक में लगी आग फायर विभाग की टीम ने पाया काबू। औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में स्थित बघाट बैंक में रविवार शाम के समय आग लग गई। छुट्टी का दिन होने से किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग बैंक के उस स्थान पर लगी जहां बैटरी रखी गई थी। हालांकि किसी भी प्रकार के जरूरी दस्तावेज के नष्ट होने से अभी मना किया जा रहा है। बैंक में आग लगने की सूचना मिलते ही परवाणु फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाया। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 के विरोध में 23 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे बिजली कर्मचारी। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को विश्वास में लिए बिना विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को संसद में पारित कराने की किसी भी एक तरफा कार्यवाही का कड़ा विरोध किया जाएगा। फेडरेशन ने रविवार को एक बयान में बताया कि विद्युत संशोधन विधेयक 2022 के विरोध में और पुरानी पेंशन की वाली बिजली कंपनियों के एकीकरण भार से नियुक्ति समाप्त कर संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारी और इंजीनियर दिल्ली में 23 नवंबर को प्रदर्शन और रैली करेंगे। ये रैली रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर जंतर मंतर तक जाएगी।
एचपीयू के इकडोल ने विभिन्न कोर्सेज के पीसीपी का शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के इकडोल ने विभिन्न कोर्सेज के लिए आयोजित होने वाले पर्सनैलिटी कंटेंट प्रोग्राम पीसीपी का शेड्यूल जारी कर दिया है। पीसीपी ऑनलाइन आयोजित होगी। शेड्यूल के अनुसार एमए संगीत तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के पीसीपी 21 नवंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित होगी, जबकि एमए संगीत प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के पीसीपी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, एमबीए द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के पीसीपी 16 से 22 नवंबर तक, एमबीए प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के पीसीपी 24 से 30 नवंबर तक, एमए हिंदी तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के पीसीपी 16 से 22 नवंबर तक, एमए हिंदी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के पीसीपी 24 से 30 नवंबर तक, एमकॉम द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के पीसीपी 16 से 22 नवंबर तक, एमकॉम प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के पीसीपी 24 से 30 नवंबर तक, एमए इंग्लिश सेकंड और फोर्थ के पीसीपी 16 से 22 नवंबर तक, एमए इंग्लिश फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के पीसीपी 24 से 30 नवंबर तक आयोजित होंगे। पीसीपी का शेड्यूल भी जारी कर वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। वीकेंड पर सैलानियों की उमड़ी भीड़, पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। वीकेंड पर शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को भी शिमला सैलानियों से गुलजारा, पूरे दिन शहर में सैलानियों का जमावड़ा लगा रहा। इससे जहां होटलों के कमरों की बुकिंग में तेजी आई है, वहीं साइट सीन के लिए टैक्सियों की बुकिंग से टैक्सी कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ी है। रविवार को रिज मैदान पर सैलानियों ने घुड़सवारी और फोटोग्राफी का लुत्फ उठाया। बड़ी संख्या में पर्यटक खरीदारी के लिए लकड़ बाजार पहुंचे। मार रोड पर देर शाम तक सैलानियों की चहल पहल रही। मेला बाजार के ढाबों में पर्यटकों ने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया तो लोअर बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी करने भी पहुंचे। कांगड़ा के इंदौरा में जुटेंगे प्रदेश भर के वेट लिफ्टर। हिमाचल प्रदेश वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन 26 और 27 नवंबर को राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता कांगड़ा जिले के इंदौरा में करवाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जूनियर, सीनियर और यूथ वर्ग के महिला और पुरुष के मुकाबले करवाए जाएंगे। कामगार की हत्या कर कमरे में दफनाया शव, बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को दी सूचना। बद्दी के जुड़ीकला में किराए के मकान में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक कामगार की हत्या कर शव को अपने कमरे में दफना दिया। कमरे से बदबू आए तो स्थानीय लोगों ने शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेजा। शव के सर जाने के कारण उसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। डीएसपी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली के गांव गोटिया निवासी राजेंद्र कुमार उमर 34 उर्फ राधे बद्दी के विलावाली में अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ रह रहा था। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। सरकारी नौकरी वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका, 23 नवंबर तक करे आवेदन। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। एएससी अम्बाला हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए अग्निवीरों की भर्ती होगी। बैंक कमांडर आशीष दुबे ने बताया कि किन्नौर के अविवाहित युवक और युवतियां एएससी अम्बाला के अंतर्गत 23 नवंबर शाम 5 बजे तक इंडियन एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा में कुल 50% अंक, अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, कुल 50% अंक, अंग्रेजी विषय में 50% अंक जरूरी होंगे। ऑनलाइन परीक्षा 18 जनवरी 2023 को होगी। अग्निवीर पद के लिए जिन योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उन्हें पहले वर्ष में 30,000, दूसरे वर्ष में 33,000, तीसरे वर्ष में 36,500 और तब की चौथे वर्ष में 40,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा।